केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाते हुए ताऊते तूफान महाराष्ट्र से गुजरते हुए अब गुजरात के तट की तरफ रुक कर चुका है। अरब समंदर में मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर ताऊते ने मुंबई की भी कुछ घंटों तक नींद उड़ाकर रख दी थी। हालांकि अब मुंबई ने राहत की सांस ली है, लेकिन शहर में भारी तबाही मचाते हुए ताऊते अपने निशान पीछे छोड़ गया है। गुजरात से टकराया ताऊते, क्या है वहां के हालात? भारत मौसम विभाग का अंदाजा है कि गुजरात के तटीय क्षेत्र में लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी होने को कुछ घंटों का समय लगेगा। 17 और 18 मई को गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 150 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में गुजरात के तटीय इलाके से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। साथ ही बचाव और मदद कार्य के लिए NDRF और SDRF की 54 टीमें तैनात की गई है। कोरोना के बीच आए इस तूफान ने राज्य के साथ केंद्र की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। PM मोदी ने सभी तटीय राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर जानकारी ली। बिजली, ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल और कोविड सेंटर्स पर बैकअप रखने के केंद्र ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए है। ताऊते का मुंबई और महाराष्ट्र पर क्या असर हुआ? 17 मई को मुंबई में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और ऊंची उठती लहरों का सामना करना पड़ा। समंदर का पानी सड़कों पर आने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। तेज हवाओं से उखड़े पेड़ों ने कई गाड़ियों और कच्चे घर झुग्गियों का नुकसान भी किया। हालांकि किसी बड़े हादसे या जानमाल के नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इस वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें और सड़क की यातायात भी प्रभावित हुई। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशंस और आवाजाही को रात 10 बजे तक बंद करना पड़ा था। फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि जंबो कोविड सेंटर से 400 से ज्यादा कोविड मरीजों को भी दूसरी जगहों पर शिफ्ट कराया गया। वैक्सीनेशन ड्राइव की भी तूफान की वजह से सोमवार को छुट्टी हो गई। मंगलवार को मौसम के हालात देखते हुए कुछ सेंटर्स खोले जाएंगे। मुंबई से गुजरते ताऊते तूफान की वजह से शहर में अब तक की सबसे रिकॉर्ड ब्रेक बारिश में से एक दर्ज हुई है। दक्षिण और उपनगरीय मुंबई के कई इलाकों में एक दिन में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। साथ ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने कई जगहों पर पेड़ों और खंभों को उखाड़ फेंक दिया है। बात करें महाराष्ट्र की तो ताऊते तूफान में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जिले में 6 लोगों की मौत और 9 लोग जख्मी होने की खबर है। तटीय इलाके से कुल 12,500 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर स्थलांतरित किया गया है। तो वही राज्य के कई जिलों में 2,500 घरों को क्षति पहुंची है। बता दें कि ताऊते ने अब गुजरात में लैंडफॉल कर लिया है, लेकिन बावजूद उसके अब भी मुंबई और आसपास के इलाकों में उसका असर देखने को मिल रहा है।